हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुष्मिता। वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन एडयूएसडी। आज हम करेंगे इंग्लिश वोकैबुलरी का पार्ट 7 और आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिनोनिम्स, क्योंकि हमने सिनोनिम्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है। 6 पार्ट हो चुके हैं और जिसने भी वो 6 पार्ट नहीं देखे हैं, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। और मुझसे जुड़ने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, सुष्मिता त्यागी ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। ये कंप्लीट पीडीएफ आप मेरे फेसबुक पेज एजुकेशन एडयूएसडी से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वर्ड इज एक्वेंट। एक्वेंट वर्ड एक वर्ब है, क्रिया है, जो काम का होना बताती है। और इसका मतलब क्या है? परिचय कराना। इसका मतलब क्या है? परिचय कराना। परिचय कराने से क्या मतलब समझते हैं आप? इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, कहीं अकेली जगह पे मिलके एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंट्रोड्यूस, जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी को कहते हैं परिचय। टू मेक समबडी और योर सेल्फ बिकम फैमिलियर विद समथिंग, खुद को या किसी को परिचित कराना, इंट्रोड्यूस कराना, या तो खुद से किसी को कराना, जैसे ये लड़की इस लड़के से करा रही है, अपने आप को बता रही है अपने बारे में, ये अपने बारे में बता रहा है इसको, है ना, उसी को कहते हैं एक्वेंट, फैमिलियराइज होना, राइट। ये है एक्वेंट के सिनोनिम्स। आप देख सकते हैं कितने प्यारे शब्द हैं, इनफॉर्म, फैमिलियराइज, इंट्रोड्यूस, प्रेजेंट, टेल, एडवाइज, अप्राइज, एनलाइटन, नोटिफाई, फैमिलियराइज। तो ये है एक्वेंट के सिनोनिम्स। फैमिलियराइज मींस जैसे जब इंट्रोड्यूस कराते हैं, अपने बारे में बताते हैं, आप भी इंट्रोड्यूस कराते होगे किसी को अपने बारे में, तो उसी को एक्वेंट कहते हैं। कि टू मेक समबडी और योर सेल्फ बिकम फैमिलियर विद समथिंग, खुद को या किसी को किसी चीज से परिचित कराना, ठीक है, किसी चीज के बारे में बताना, दैट इज वॉट, दैट इज एक्वेंट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज चेंज। चेंज वर्ड एक नाउन है, ठीक है, इसका मतलब है बदलना। अब चेंज से आप मतलब क्या समझते हैं? जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, पहले उसकी ग्रोथ कुछ होती थी, लेकिन अब हार्डवर्क करने के बाद देखिए ग्राफ बढ़ता जा रहा है। पहले इतना ग्रोथ होती थी, फिर इतनी होती थी, फिर इतनी, और अब देखिए कितनी ज्यादा ग्रोथ हो गई है। तो इसी को कहते हैं बदलाव। इसी को क्या कहते हैं? बदलाव। टू मेक समबडी या समथिंग टेक ए डिफरेंट फॉर्म, किसी चीज को या किसी पर्सन को दूसरी फॉर्म में ले जाना, मतलब बदल देना। जैसे पहले आपकी पर्सनैलिटी कुछ थी, अब आपकी पर्सनालिटी कुछ है, क्योंकि पहले उस पर्सनालिटी पर काम नहीं किया गया, बट जब उस पर्सनालिटी पर काम किया गया तो आपकी पर्सनालिटी चेंज हो गई, ठीक है, आपका भी ग्राफ बढ़ गया। तो उसी को कहते हैं चेंज, मतलब बदलना। इसके सिनोनिम्स है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी वही जिसको बदला जा सके, फ्लेक्सिबल होता है जिसको चेंज किया जा सके। एडेप्टेबिलिटी, राइट, एडजस्टेबिलिटी, ओपनएंडनेस, ओपननेस, चेंजेबिलिटी, फ्रीडम, लेटिट्यूड, मोबिलिटी। तो चेंज के कितने सारे सिनोनिम्स हैं, और इसका मतलब क्या है? बदलना, मतलब पहले परफॉर्मेंस कुछ थी और फिर परफॉर्मेंस कुछ और हो गई। जैसे कंपनी की ग्रोथ पहले आपने देखी कितनी कम थी, और फिर हार्डवर्क करने के बाद वो ग्रोथ बढ़ गई, उसी को कहते हैं चेंज, बदलना, राइट। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, विद पिक्चर्स मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। थर्ड वर्ड इज मैटिकुलस। मैटिकुलस वर्ड एक नाउन है, राइट, संज्ञा है, और इसका मतलब है श्रम साध्य। श्रम साध्य से आप क्या समझते हैं? आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये कितनी केयरफुली काम कर रहा है ना, कितनी केयरफुली अटेंशन पे करके काम कर रहा है, उसी को कहते हैं मैटिकुलस, की हार्डवर्क के साथ केयरफुल होकर काम करना। जैसे गिविंग और शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, मतलब आप क्या करते हो कि बहुत अटेंशन देते हो किसी भी चीज को, या बहुत केयरफुल होके आप काम करते हो, उसी को कहते हैं मैटिकुलस। उसको क्या कहते हैं? मैटिकुलस, कि गिविंग और शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, मतलब बिल्कुल गहराई में जाके किसी चीज को समझना, किसी भी चीज पर काम करें, स्टडी भी कर रहे हैं तो बहुत गहराई में जाके केयरफुल होके उस चीज को समझना, ठीक है, ये है मैटिकुलस के सिनोनिम्स। स्क्रूपुलस बहुत अच्छा वर्ड है, स्क्रूपुलस, केयरफुल।
punctilious, particular, fastidious, precise, painstaking, thorough, fussy, conscientious, ये सारे वर्ड्स meticulous के सिनोनिम्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को भी अच्छा करेंगे और साथ ही आपके एग्जाम में भी हेल्पफुल रहेंगे। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज, फोर्थ वर्ड इज अबंडेंट। अभी अबंडेंट वर्ड एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन की प्रोनाउन की विशेषता बताता है और इसका मतलब है बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा मतलब जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये कितने सारे, आप देख रहे हैं कि कितने सारे मतलब बहुत प्रचुर मात्रा में है, कमी नहीं है, एकदम भंडार लगा हुआ है ना, उसी को कहते हैं मोर देन इनफ, मतलब जरूरत से ज्यादा। जैसे हमारी कंट्री में रिसोर्सेज हैं, ठीक है, और कहें कि हमारी कंट्री में इतने रिसोर्सेज हैं कि आने वाली जो जनरेशन है उनको भी कमी नहीं पड़ेगी, इतने रिसोर्सेज हैं, इतने संसाधन हैं, उसी को कहते हैं अबंडेंट, कि हमारी कंट्री में यार अबंडेंट रिसोर्सेज हैं कि आने वाले जो जनरेशन है उसको भी कमी नहीं पड़ेगी, हमारे घर में इतना खाना है कि हम दूसरों को भी खिला दें, इतना खाना है, तो उसी को कहते हैं बहुत ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है, मोर देन इनफ, जितना जरूरत है उससे भी ज्यादा है। इसके सिनोनिम्स हैं एम्पल, कॉपियस, प्लेंटियस, रिच, प्लेंटीफुल, जेनरस, बॉन्टीफुल, प्रोफ्यूज, बॉन्टियस, अबाउंडिंग। ये अबंडेंट वर्ड के सिनोनिम्स हैं और इनका मतलब है बहुत ज्यादा, मतलब जरूरत से भी ज्यादा, जितना चाहिए उससे भी ज्यादा, मोर देन इनफ। फिफ्थ वर्ड इज ट्रेमेंडस। ट्रेमेंडस वर्ड एक एडजेक्टिव है, अगेन जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है और इसका मतलब क्या है? भयानक। इसका मतलब क्या है? भयानक मतलब टेरेबल, बहुत लार्ज, बहुत बड़ा, जिसे देखकर भी लोग डर जाएं। जैसे इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये कितना भयानक नजारा आप देख रहे हैं, कितना बड़ा है, वेरी लार्ज और ग्रेट। इसका मतलब क्या है? वेरी लार्ज और ग्रेट मतलब बहुत बड़ा, बहुत भयानक, टेरेबल सा, ये पूरा का पूरा जो सीन है ये क्या है, पूरा भयानक लग रहा है ना, इसी को कहते हैं यार ट्रेमेंडस, दैट इज ट्रेमेंडस, इनॉर्मस, वेरी लार्ज, इमेंस, वास्ट, वास्ट मीन्स बहुत बड़ा, कॉलोसल, बहुत अच्छा वर्ड है, टेरिफिक, भयानक, ग्रेट, अगेन बहुत बड़ा, ह्यूज, जायजेंटिक, प्रोडिगियस, टेरेबल, कितने सारे सिनोनिम्स ट्रेमेंडस वर्ड के हैं। तो इसका मतलब क्या है? भयानक, बहुत बड़ा, राइट, वेरी लार्ज, ग्रेट। तो आई होप आप सभी को ये 5 वर्ड समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मेरी जितनी भी वीडियोस हैं, आने वाली वीडियोस, उन सब की अपडेट आपको मिल जाएगी। और जिसने भी पार्ट्स नहीं देखे हैं वो मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, 6 पार्ट हो चुके हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।